लेकिन बहुजन समाज के लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब मान्यवर साहब कुर्सी से उठ के और जब बेड पे आ गए थे तो सिर्फ बहन जी थी जिसने पूरे मूवमेंट को सड़क पे नहीं गड्ढों पे चल के खेतों में चल के और उस मूवमेंट को पहुंचा के और उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करी। अगर उनको कुर्सी का लालच होता, अगर उनको सत्ता की लालच होती जरा सी भी, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको इतने इतने बड़े स्मारक बनाने चाहिए थे, जबकि उनको मालूम था कि मेरी सत्ता चली जाएगी। लेकिन उन्होंने सत्ता को दरकिनार करके, अपनी कुर्सी को दरकिनार करके और महापुरुषों के नाम से इतने इतने बड़ा स्मारक इसलिए बनाए कि बहुजन समाज में जोश आ सके, ताकत आ सके और अपने महापुरुषों के बारे में जान सके कि हमारे महापुरुष कौन है और पूरा देश और समाज और पूरी दुनिया जान सके। बहन जी ने शुरुआत करी राजनीति की जब उनकी उम्र भी कम थी। उस टाइम का जो बहन जी का संघर्ष है, अगर उसको आज सब लोग देखेंगे, जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, ये देखेंगी, हम उनका आधा परसेंट भी नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। 64वां जन्मदिन मना रहे हैं, उस सबकी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और आज जन्मदिन का मौका है और वो भी बहन जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि बहन जी किस विचारधारा में विश्वास रखती हैं। तो जन्मदिन पे कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए कि बहन जी को लगे कि मेरा जन्मदिन ना मना के वो कोई पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। जनरली मैं बिना लिखे ही बोलता हूँ, लेकिन आज लिख के लाया हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है समाज के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि एक बार माननीय काजीराम साहब को किसी ने पूछा, उनका एक वक्तव्य है कहीं पे नोटेड है, कि आपने जो नीला झंडा और हाथी निशान ही क्यों लिया। उनसे किसी ने पूछा कि आपने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों लिया, तो माननीय साहब ने कहा कि साहब मेरे को नहीं पता, नीले झंडे का और हाथी निशान दोनों का ही मेरे को नहीं मालूम है कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि ये बाबा साहब ने नीला झंडा और हाथी निशान लिया था, वो उन तक का काम था, मेरे को इस मूवमेंट को उसे आगे ले जाना, इसलिए उन्होंने क्यों लिया ये मैंने नहीं सोचना है, उन्होंने लिया इसलिए ये मेरे को चाहिए। वही सोच बहन जी लेके चलती है समाज में कि जो काम मान्यवर साहब तक हो गया उस काम को ना करके उससे आगे मूवमेंट कैसे बढ़े, बहुजन समाज आगे कैसे बढ़े, बहुजन समाज के हितों की रक्षा आगे कैसे हो, वो निरंतर उसके लिए काम करती है। समाज में बहुत जगह जाते हैं, आप सब भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, एक अमूमन बात उठ के आती है सामने कि जब बहन जी जो है वो लोगों से मिलती नहीं है। बहन जी से मिलना आसान काम नहीं है, सारे नेता जो है वो सड़क पे घूमते हैं, माननीय बहन जी कभी भी पब्लिक में आती नहीं है, पब्लिक में जाती नहीं है, उसका गलत मैसेज जाता है। ऐसा कौन कहता है, हमारे बहुजन समाज के लोग कहते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब मान्यवर साहब कुर्सी से उठ के और जब बेड पे आ गए थे तो सिर्फ बहन जी थी जिसने पूरे मूवमेंट को सड़क पे नहीं गड्ढों पे चल के खेतों में चल के और उस मूवमेंट को पहुंचा के और उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करी। यह बात सबको याद रखनी चाहिए। आज अगर बहन जी को सड़क पे घूमना है सत्ता के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुजन समाज जो काम करता है, जो बाबा साहब के जन्मदिन मनाते हैं, मान्यवर साहब का मनाते हैं और भी बहुजन मूवमेंट के बहुत सारे काम करते हैं, वो काम करते हो करने चाहिए। इसलिए समाज को ये बात समझना चाहिए कि हमारी एक सिर्फ सर्वमान्य नेता है वो बहन कुमारी मायावती, वो किसी स्पेशल जाति या धर्म की नेता नहीं है, वो हर उस आदमी की नेता है जो अम्बेडकरवाद में विश्वास रखता है, हर उस आदमी की नेता जो अम्बेडकरवाद में विश्वास रखता है, जो उस मूवमेंट में विश्वास रखता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, वो उन सब की सिर्फ एक नेता है, सिंगल नेता है इस देश में जो ऐसा करती है। उनको मालूम था, बहन जी को बहुत अच्छे से मालूम था कि जब हम ये महापुरुषों के जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, जो इतने बड़े स्मारक बना रहे हैं, इससे हमारी सरकार चली जाएगी। बहन जी को ये मालूम था कि ये काम जब मैं करूंगी तो आगे मेरी सरकार रिपीट नहीं होगी। अगर उनको अपनी कुर्सी का लालच होता, जैसा कि अमूमन समाज में चलता है, अगर उनको कुर्सी का लालच होता, अगर उनको सत्ता की लालच होती जरा सी भी, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको इतने इतने बड़े स्मारक बनाने चाहिए थे, जबकि उनको मालूम था कि मेरी सत्ता चली जाएगी। लेकिन उन्होंने
सत्ता को दरकिनार करके, अपनी कुर्सी को दरकिनार करके और महापुरुषों के नाम से इतने इतने बड़ा स्मारक इसलिए बनाए कि बहुजन समाज में जोश आ सके, ताकत आ सके और अपने महापुरुषों के बारे में जान सके कि हमारे महापुरुष कौन है और पूरा देश और समाज और पूरी दुनिया जान सके। जब स्मारक बने उत्तर प्रदेश में, उससे पहले आप यकीन से बताइए कि कितने लोग हैं जो महापुरुषों की जीवनी के बारे में जानते हैं। इस देश में कौन जानता था महापुरुषों की जीवनी के बारे में? पूरा बहुजन समाज भी नहीं जानता था। लेकिन बहन जी ने वो ताकत दी आप लोगों को, हम लोगों को, पूरे देश को वो ताकत दी कि बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं वो भी इसी देश के महापुरुष हैं। उन्होंने सामाजिक कार्य ऐसे करे हैं कि उनके इतिहास के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानना चाहिए। आज दिल्ली में चुनाव है, पार्टी की और भी कई जगह बहन जी के जन्मदिन का प्रोग्राम था लेकिन वो शायद कैंसिल हो गए हैं, कहीं पे भी नहीं, अपने यहीं पे है। मैं सिर्फ समाज को एक बात कहना चाहता हूं कि आप कैंडिडेट पे ना जाएं, आप पार्टी के पदाधिकारी पे ना जाएं, आप सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के झंडे पे जाएं। यकीन मानिए कि अगर हर बहुजन का आदमी जो इस मूवमेंट को मानता है, जो अंबेडकरवाद को मानता है, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर पे अगर वोटिंग करता है तो निश्चित तौर से बहन जी ताकतवर होती है। अगर वो ताकतवर होती है, आप और हम सब ताकतवर होते हैं। मेरे चुनाव में यहाँ पे हो सकता है कि मोहम्मदन समाज के कुछ लोग होंगे, हमारे एक मित्र, उनको बुलाया लेकिन वो शायद आए नहीं। जब मेरा इलेक्शन था मैंने घर घर जाके और मोहम्मदन समाज ने एक बात कही कि अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, आप बीजेपी को वोट मत करिए। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करना है तो आप किसी को भी वोट करें लेकिन बीजेपी को मत करना, वरना आपको इसका नुकसान बहुत लंबा उठाना पड़ेगा। वहां पे उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को करा। उसका नतीजा ये हुआ कि अब उनपे ये सहमत आ गई है कि उनको शायद देश भी छोड़ना पड़ सकता है। यही बात हम सब पे भी लागू होती है कि अगर हम समय के साथ, अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं चलेंगे, माननीय बहन जी के साथ नहीं चलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जो आज मोमडन कम्युनिटी के साथ हो रहा है वो कल आपके और हमारे साथ होगा। ये देश की सरकार जिधर जा रही है उसको, इस समाज को, मेरे समाज को, बहन जी के समाज को निश्चित तौर से ये बात समझनी चाहिए कि आगे वाला नंबर, दूसरा नंबर हमारा ही है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बहन जी ताकतवर बने, क्योंकि सबको मालूम है कि बाकी हमारे जितने भी नेता हैं वो सब नेता कुर्सी के नेता हैं। एक मायावती जी इस देश में ऐसी नेता है जो बहुजनों को वो ताकत दे देगी कि ये 85% है कि 50% है ये नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद में इनके अलावा कोई दूसरा सत्ता में नहीं आएगा। इसलिए वो बरगलाते हैं, केजरीवाल जी ने भी आपको बीच में कहा कि जब हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे स्कूलों में, माना कि उन्होंने पढ़ाया स्कूलों में, लेकिन जब देवली पहाड़ी में बाबा साहब की जहां मूर्ति लगी हुई है जिसका सालों का इतिहास है, उसके लिए केजरीवाल जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अगर शायद वही उत्तर प्रदेश में होता या दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन जी होती तो शायद वो दिन हमें नहीं देखना पड़ता। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये हमें सबको समझनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमें बहन जी के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहन जी ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा जीवन इस मूवमेंट को शायद इसलिए दिया कि उन्होंने वो तकलीफ देखी। आज के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उसको शायद वो एहसास नहीं है क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं। सुरेंद्र जी के बच्चे हैं, वो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं क्योंकि इनके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये खुद बहुत पैसे वाले हैं, इनकी होटलें हैं, तो इनके बच्चों को शायद वो तकलीफ नहीं मालूम है। उनके बच्चों को तकलीफ तब मालूम होगी तब ये बच्चों को अपने को एजुकेट करेंगे कि हम किस समाज से आते हैं, हमें बहुजन समाज के साथ क्यों रहना चाहिए। हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे तभी आज हम इस ताकत से इस ऑडिटोरियम में भी खड़े हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की ताकत नहीं होती तो आज हम इस ऑडिटोरियम में नहीं खड़े होते, आप इस बात का यकीन मानिए। हमारे देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, ये हमारी कई महिलाएं हैं, इनको मैं नाम से तो नहीं जानता लेकिन शक्ल से सबको जानता हूँ, ये इतनी डेडिकेटेड है कि कहीं पे भी काम होता है सबसे पहले पहुंचती है। इनमें 5-6 शक्ल ऐसी है कि जिनको मैं दिल्ली के हर छोटे बड़े मूवमेंट में देखता हूँ, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हमारा मूवमेंट भटक के और किधर और चला जाता है। साथियों, हमको सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए हो हल्ला नहीं होना चाहिए,
इस मूवमेंट को चलाने के लिए सड़क पे आगे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस मूवमेंट की ताकत ये है कि हम सब एक जगह वोटिंग करें, हम बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग करें, हमारी सारी चीजें धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम कितनी मीटिंग करें, कितने कुछ करें, बेंजी मेरी नेता है, सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, इसलिए मैं मरते दम तक उनके साथ हूँ, बीएसपी के अलावा कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन ये सोच हमें सबको अपनानी पड़ेगी। मेरे को थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने सुरेंद्र जी से टाइम लिया, क्योंकि बहन जी दिल्ली पहुंची है, मेरे को एयरपोर्ट लेने भी जाना है, इसलिए मैंने अपना टाइम लिया। आप सब ऐसा डेडिकेशन बनाइए। मैं ये मान के चलता हूँ, अपने आप को मानता हूँ, मेरी पत्नी भी साथ में, आप पूछ सकते हैं। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ जहां मैं व्यापार करता हूँ, वो देव सिर्फ बहन जी की, अगर बहन जी नहीं होती तो शायद ना मैं यहाँ होता ना वहां होता। ये दोनों बात सत्य है, इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। जितने आप लोग आए हैं, आप सबसे गुजारिश है कि दिल्ली में इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को वोट करवाएं, जहां भी हमारा कैंडिडेट है उसको आप वोट करें। जाति पे ना जाए, धर्म पे ना जाए, कैंडिडेट पे ना जाए, सिर्फ आप झंडे पे जाए, आप देखिएगा आज नहीं तो कल नहीं परसों उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे भी परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा। अब जो लिख के लाया हूँ वो आपको सुना देता हूँ कि आखिर हमारी बहन जी ही नेता क्यों है। तो अपने हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना सिखाया, इसलिए वो बहन कुमारी मायावती हैं। मनुवाद और समाज को बांटने वालों के खिलाफ वो पूरी ताकत से खड़ी रहती हैं, इसलिए उनका नाम बहन कुमारी मायावती है। जो मिशन ज्योतिबा फूले, पेरियार, साहूजी अम्बेडकर और कांशीराम जी ने चलाया उसको निरंतर बिना रुके बिना थके आज तक आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो हमारे समाज के नेता हैं वो कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा है। हम कई नेता ऐसे देखते हैं जो बात तो करते हैं बाबा साहब की, लेकिन जब नाम आता है बाबा साहब का, जब काम आता है वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बहन जी आज तक पीछे नहीं हटी, अपनी सत्ता तक हटा दी लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटी है। ओबीसी समाज के लोग बैठे होंगे, ओबीसी समाज को अगर 27% आरक्षण मिला तो वो देन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की है। अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि कभी मंडल आयोग लागू ही नहीं होता। मंडल आयोग लागू कराने में जितना रोल माननीय साहब का था इस देश में किसी का भी नहीं था। इसलिए ओबीसी समाज के जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं वो भी ये मान के चले कि उनकी ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और कोई भी नहीं है। अगर उनका आरक्षण आगे 30% होना है, 35% होना है या 52% होना है, या जो आरक्षण की नौकरियां उनकी बाकी है जो आज तक उनको नहीं मिली है, हमारे विजय सैनी जी जरूर समझते होंगे इसको, अगर उनको नहीं मिली है तो वो ताकत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आपको देगी और कोई भी पार्टी नहीं देगी, क्योंकि वो धीरे धीरे सबको प्राइवेटलाइज कर देंगे और आपको एक भी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। हम सभी कहते हैं, पन्ना लाल जी भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि भाई भूत प्रेत भाग जाते हैं। पता नहीं भागते कि नहीं भागते, किसी ने भूत देखा तो है नहीं। लेकिन ये बात सच है कि अगर बहन जी का नाम कहीं आता है तो जो मनुवादी ताकते हैं, जो मनुवाद का सोच रखते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, वो जरूर भाग खड़ी होती है। मतलब ताली बजाने की और हंसने की बात है, सच बात है। आज अगर देश की सत्ता हमारे सिर्फ 15 या 16 सांसद हैं, कांग्रेस के 50 या 60 सांसद हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के पास बहुमत है, उसके बावजूद भी बीजेपी से 1 इंच भी नहीं डरती है और ना ही आधा इंच पीछे हिलती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जब नाम आता है, बहन जी का जब नाम आता है तो बीजेपी बैक फुट पे आ जाती है। उसका कारण क्या है? बहुजन समाज पार्टी नहीं, उसका कारण एक ही नाम है, बहन कुमारी मायावती। जब बहन जी ने शुरुआत करी राजनीति की, जब उनकी उम्र भी कम थी, उस टाइम का जो बहन जी का संघर्ष है, अगर उसको आज सब लोग देखेंगे, जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, ये देखेंगी, हम उनका 0.5% भी नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने क्या क्या नहीं सहा, कोर्ट के अंदर, किसी कमरे के अंदर, सड़क पे, उन्होंने क्या क्या नहीं सहा, लेकिन उसको मालूम था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मेरा चुनाव था तो पहले फतेहपुर सीकरी से था, फिर बाद में मैं दिल्ली आया, तो जब मैं दिल्ली आ रहा था बहन जी को मालूम था कि दिल्ली में हम नहीं जीत सकते हैं, मेरे को भी मालूम था, लेकिन मेरे को यह मालूम था कि मेरे साथ बहन जी का नाम है, बहन जी की ताकत है, इसलिए मैं जरूर जीतूंगा और उसी ताकत से मैंने चुनाव भी लड़ा। तो मेरे को बहन जी ने कहा था कि जब मैंने पहली बार कैरेना से विधानसभा का फार्म भरा
कैराना से विधानसभा का फार्म भरा, बोलो वो इसलिए मेरे को मालूम था कि मेरे को यहाँ वोट नहीं मिलेगा, जीतना तो दूर की बात है, लेकिन मैंने फार्म भरा वहां से सिर्फ इसलिए कि समाज के लोग वहां वोट देने से डरते हैं, जो अगली जाति के लोग हैं उनको वोट नहीं करने देते हैं। मेरे फार्म भरने से ये हुआ कि मेरे को 1300 वोट मिले, लेकिन अगली बार वहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीता, जबकि उनको मालूम था कि मैं हारूंगी, लेकिन उन्होंने अपनी हार जीत नहीं देखी, उन्होंने समाज को आगे लाने का काम करा, उनको डर निकालने का काम करा। ये काम बहन जी ने उस उम्र में करा जिस उम्र में हम शायद अपनी माँ और बहन को, छोटी कोई लड़की हो बेटी हो उसको हम बाहर भी नहीं निकलने देंगे उस टाइम पे। उस टाइम जाके उन्होंने 7 बजे अपना नॉमिनेशन करा, क्योंकि 9 बजे उनको मालूम था कि अगली जाति के लोग उनको नॉमिनेशन नहीं करने देंगे, ये उनके खुद के वर्डिंग है, उन्होंने जो मेरे को बताया, ये बहन जी ने अपने मुंह से मेरे को बताया कि उनको मालूम था कि 9:30 बजे उनको जो है कोई नॉमिनेशन नहीं करने देगा, इसलिए उन्होंने 7 बजे जाके जैसे ही वो कार्यालय खुला उन्होंने अपना पहला नॉमिनेशन करा और बहुजन समाज पार्टी को 1300 वोट मिले, जहां पे बहुजन समाज एक वोट डालने की ताकत नहीं रखता था, जहां एक वोट डालने की ताकत नहीं रखता था वहां 1300 वोट मिले, तो वो सिर्फ उस नाम की ताकत थी, उस नाम की जीत थी कि वहां नेक्स्ट टाइम बीएसपी जीती और आज तक जीतती आ रही है, उसके बाद बीएसपी वहां हरी नहीं करी। ये ताकत उनको हम दे सकते हैं, आप और हम सारे लोग मिलकर दे सकते हैं, जब तक हम नहीं मिलेंगे हम नहीं समझेंगे, हम छोटे 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 दलों में बढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे नेता खड़े करते रहेंगे, तब तक समाज की यही स्थिति रहेगी। आज सुरेंद्र जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम करा, इस प्रोग्राम की जो अहमियत है वो अगर बहुजन समाज के लोग समझते तो मेरे को लगता है कि आज कम से कम यहाँ 1000 लोग होने चाहिए। आज 1000 लोग यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हम भटके हुए हैं, हमें उस भटकाव से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हमें आगे आना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, कुछ चीजें जो देश में होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको बहुजन समाज पार्टी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक केंद्र में कभी भी सत्ता में भागीदारी नहीं ली, सब पार्टियों ने भागीदारी ली है, कांग्रेस ने भी ली है, बीजेपी ने भी ली है, जब इनकी सत्ता नहीं होती है तब, जब सत्ता में होते हैं तब तो इनके प्रधानमंत्री होते हैं, इन्होंने सबने ली है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कभी सत्ता में भागीदारी नहीं ली केंद्र में। आप लोगों को मालूम है क्यों? वो इसलिए कि बहन जी को मालूम है कि जिस दिन मैं भागीदारी लूंगी मेरे लोग कमजोर हो जाएंगे, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगी उस दिन ये ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने आज तक भागीदारी नहीं। अगर वो जो बात करते हैं लोग कि भाई बहन जी मिलती नहीं है पैसे वालों से, मिलती है, अगर उनको पैसा ही चाहिए होता, समाज नहीं चाहिए होता, तो अभी तक इस देश में 4 बार केंद्र की सरकार में बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होती और आज भी होती, लेकिन उन्होंने मात्र समाज के लिए उसमें भागीदारी नहीं ली कि अगर मैं भागीदारी लूंगी मेरा समाज पीछे चला जाएगा, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री का नंबर कभी नहीं आएगा, उनको प्रधानमंत्री बनना है, समाज को प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए उन्होंने भागीदारी नहीं। ये बात समाज के हर छोटे छोटे बच्चे को समझनी पड़ेगी, हमारे बुजुर्गों को समझनी पड़ेगी, पढ़े लिखे लोगों को समझनी पड़ेगी, बांसे वालों को समझनी पड़ेगी, विधेयक वालों को समझनी पड़ेगी, हर उस आदमी को समझनी पड़ेगी जो अम्बेडकरवाद में विश्वास रखता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक आप ये मान के चलिए कि हम बहुजन समाज पार्टी का झंडा भी उठाएंगे, बाबा साहब का भी उठाएंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाएंगे। मेरे फेसबुक पे कम से कम 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनको रोज देखता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, कमेंट किसी पे नहीं करता लेकिन पढ़ता और सुनता रोज, लेकिन उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, वो जीरो मीनिंग है उसका, उसका जीरो मीनिंग है। हमारा मीनिंग तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब इस बात पे विश्वास करेंगे कि बहन जी हमारी नेता हैं। आप इस बात पे यकीन रखिए कि बहन जी हमारी नेता हैं, वो सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं। मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूरी ताकत के साथ आपसे कह रहा हूँ कि बहन जी सिर्फ इस समाज की नेता हैं, हर उस आदमी की नेता हैं जो अम्बेडकरवादी सोच रखता हो, किसी के भी खिलाफ नहीं। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आप स्टैंड पाएंगे। इस बात को समझे, लोगों को समझाएं। आज अगर हम जन्मदिन मना रहे हैं बहन जी का, तो शायद इसीलिए मना रहे हैं कि वो हमारी नेता है। अगर हमारी नेता होती तो हम नहीं मनाते, तो अगर हमारी नेता है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हम खुद सड़क पे उतरे, लोगों के घर घर जाए, उनको समझाए। मेरे से जितना बन सकता है मैं उतना निश्चित तौर से करता हूँ, जो मेरे को आदेश होता है वो तो करता ही, उसके अलावा भी मेरे से जो बन सकता है वो हमेशा करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करता रहूंगा, क्योंकि मेरी एक ही नेता है पूरे देश में, पूरे देश में एक ही नेता, मैं उन्हीं के लिए करूंगा। मैं मानता हूं इस बात को, मेरी पत्नी मानती है, हमें मालूम है कि बहन जी की अहमियत हमारे लिए क्या है।
ये हमें मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन हमें दोनों को जरूर मालूम है कि बहन जी की अहमियत हमारे लिए क्या है। इसलिए मैं जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, दोनों बातें, दोनों बातें। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी, समाज को आगे लाने के लिए, समाज में ताकत देने के लिए, समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और सर्व समाज को मिलाने के लिए। अगर हमारे पास कोई भी साधन है तो वो एक ही साधन है, बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती। मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस बात को समझे, और जो हमारी महिलाएं, इनको नाम से तो नहीं जानता है लेकिन चकल से जानता हूं, जो हर मूवमेंट में हर जगह जाती हैं, सब जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जब भी जाएं, ये सोच के जाएं कि बहुजन समाज पार्टी की ओरिएंटर है, अगर कुछ भी यहाँ से 1% भी अगर कोई फायदा मिलने वाली बात है तो इनको या मेरे को ना मिले, सीधा बहुजन समाज पार्टी को क्रेडिट जाना चाहिए। वो क्रेडिट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को जाना चाहिए। का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पे जाएं नहीं, लोगों में प्रचार नहीं करें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि आप दंगा फसाद ना करें। दंगा फसाद वैसे भी नहीं करना चाहिए। आप एक बात बताइए, मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं, कई बार मैंने सुना है, सुरेंद्र जी के मुंह से भी सुना है, हमारे मलेंद्र गौतम जी के मुंह से भी सुना है, जो पत्रकार भाई है वो उनसे भी सुना है कि साहब हमारी पार्टी जो है सड़क पे आके और उपद्रव नहीं मचाती है, बाकी पार्टियां मचाती हैं तो उनको वोट मिल जाते हैं। लेकिन आप में से कोई एक आदमी ऐसा जो ऊपर हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मैं मेरे बेटे को जो है डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, उसको उग्रवादी बनाना चाहता हूँ? क्योंकि किसी की जाके बसें जलाएगा, किसी का घर तोड़ेगा, किसी की कार तोड़ेगा तो उग्रवादी बनेगा ना, डॉक्टर कहां से बनेगा? तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उग्रवादी बने? आपके बच्चे में ऐसे संस्कार हैं कि किसी के थप्पड़ मारे? विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, संवैधानिक तरीके से आप विरोध करिए। हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो आप संविधान पढ़िए ना सब। हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप किसी के घर जाके तोड़ फोड़ करें और आप हीरो बन जाए, आप नेता बन जाए, किसी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर बाबा साहब की फोटो लहरा दें और आप हीरो बन जाए, ऐसा कहां लिखा है संविधान में? उससे तो आप और नीचे जाते हैं, आप समाज से बढ़ते हैं। एक विशेष तबके का समाज है जिसको हम बहुजन समाज में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको और दूर कर रहे हैं। आप अपने समाज में अलग अलग जातियों में बंट रहे हैं, अपने ही समाज में अलग अलग धर्म में बंट रहे हैं। विजय सैनी जी का मैंने एक स्टेटमेंट सुना, जब मेरा इलेक्शन था तो मैंने इनका एक स्टेटमेंट सुना कि जब पहले मेरे को यह पता ही नहीं था कि मैं बहुजन समाज में आता हूं, बोला मेरे को लगा कि मैं अपर कास्ट में आता हूं। इनके हिसाब से इस देश में कास्टिज्म मेन था, इसमें कास्टिज्म मेन था, समाज कुछ नहीं था। इनको लगा कि मैं अपर कास्ट में आता हूं, लेकिन जब इनको पता लगा कि कास्टिज्म कुछ नहीं है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट कुछ नहीं है, मैं बहुजन समाज का हिस्सा हूं, तब से दिन रात बाबा साहब और बहन जी के जो इनसे बन सकता है, चाहे गीत के माध्यम से, चाहे बोलने के माध्यम से, समाज के लिए अनवरत कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन सब में होना चाहिए कि जब मेरे को पता लगे कि सिर्फ बहन जी मेरी नेता है तो मेरे को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बहन जी के साथ आना चाहिए। कुछ लोग जो हैं जिनको नहीं मालूम है, आप उनको जाके बताइए कि आप बहुजन का हिस्सा हैं, आप बहन जी का हिस्सा हैं। क्यों? कि आप अंबेडकरवादी हैं, आपकी जाति का इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी भी 4-5 जाति बताई जाती है, कोई कहता है कि आप ठाकुर है, कोई कहता है कि ये तो बहन जी के भाई हैं, तो चाहे जाटा है, कोई कहता है कि पता नहीं क्या है। 3-4 जाति तो मेरी यहाँ पे भी बताई, लेकिन मेरी जाति और धर्म एक ही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। मेरी कोई जाति और कोई धर्म नहीं है। मैं शुरू से कहता हूँ, बार बार यही कहूंगा कि मेरी एक ही जाति है और एक ही धर्म है, वो है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया। क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे बच्चों का भविष्य उसी बात में सुरक्षित है कि बहन जी आ गया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी आ गया है, ना कि कांग्रेस आ गया है। मेरे बच्चों का जहाँ भविष्य सुरक्षित है, मैं निश्चित तौर से दिन रात वहीं लगूंगा। हमारे बहुत समझदार लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप समाज के एक एक आदमी को ये बात समझाइए कि बहुजन समाज पार्टी किसी जाति या धर्म विशेष की नहीं है, बहन जी किसी एक आदमी की नहीं है, बहन जी किसी की विरासत नहीं है, वो उस देश के हर उस नागरिक की नेता है, वो हर उस नागरिक के लिए अपनी जान भी दे सकती है जो अंबेडकरवादी होगा, जो संविधान को मानने वाला होगा। मैं अंबेडकरवादी हूँ, संविधान को मानता हूँ, ये बहन जी मेरी नेता है। अगर मैं इन दोनों चीजों को नहीं मानूंगा तो वो मेरी नेता नहीं हो सकती है, या मैं उनकी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता हूँ। एक छोटी सी बात है, इसको समझाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने लोग आए हैं,
आज बहन जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए, इसका मतलब आप हर वो आदमी जो यहाँ आया है वो सिर्फ बहन जी से जुड़ा हुआ है, बहन जी से दिल से अपनी नेता मानता है। अगर आप उनको नेता मानते हैं, अगर आपको जरा सा भी कुछ लगता है उसमें, तो जो दिल्ली का इलेक्शन में इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एजुकेट करिए कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। आप कैंडिडेट पे मत जाइए, पार्टी के पदाधिकारियों पे मत जाइए। मेरे को इस पार्टी में 20 साल हो गया कि 20 साल में मैं 10 लोगों के नाम नहीं जानता अपनी पार्टी में। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके 10 लोगों के नाम नहीं जानता। मैंने यहाँ चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसमें 9 या 10 विधानसभा आती है, मैं उसके बावजूद भी किसी नेता का नाम नहीं जानता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो नेता भी बहन जी का और मैं भी बहन जी को, मेरे को उनका नाम जान के क्या करना, बहन जी का नाम जानता तो हूँ। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि इस बार नहीं तो अगली बार राजवीर सिंह यहाँ से जरूर जीतेगा, बहुजन समाज पार्टी जरूर जीतेगी। इसलिए उन लोगों का नाम नहीं जानता, आपको भी उसका नाम जान, उसको जब समेटेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जब वो देश में आएंगे तो आपको और हमको सबको एहसास हो जाएगा कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ होना चाहिए। मेरी किसी भी बात से अगर किसी को हर्ट हुआ तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज बहन जी का जन्मदिन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपने घर जाके और बहन जी का जन्मदिन मनाए, अपने बच्चों को टॉफी दिलाए, लेकिन इस उम्मीद सभी को जय। राजवीर जी ने जितनी भी बातें कही वो जन कल्याणकारी ही बातें की कि बहन जी की तरह उनके पद चिन्हों पर चलकर हम कार्य करें, उनकी तरह त्याग और समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली। उसके बाद मैं सुरेंद्र सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि शॉल उड़ा करके उनका शॉल पहना करके उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां एक बार ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने, अभी आपने विचार सुने कि उनकी भावनाओं में व्यक्तिगत कोई हित नहीं है, उनके बाद में उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा केहरी सिंह जी से और सुरेंद्र सिंह जी से, जो इतना आज भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, एसएम न्यूज में काम कर रहे हैं, ऐसा न्यूज की एक प्रतीक चिन्ह दे करके, प्रतीक चिन्ह दे करके मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां। उसके बाद गुजारिश करूंगा कि एक मोमेंटो दे करके, उन्होंने आज एक अपना कीमती समय दिया और उनके ऐसे मुखार बिंदु से भाव निकले कि आप बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती को अपना नेता माने, किसी को अपना नेता ना माने, तो ऐसा समर्पण ऐसा त्याग हर किसी नेता में देखने को नहीं मिलता। एक बार बोलेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।